हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेग्राफर। सो गाइज, यहाँ पर अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 या फिर नोट 10 डिवाइस है तो उनमें आपको ऑफिशियली 1/3.0 का जो अपडेट है वो ऑफिशियली प्रोवाइड किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये अपडेट दिखा देता हूँ। सो मैं जाता हूँ सेटिंग्स पे, उसके बाद जाता हूँ सॉफ्टवेयर अपडेट पे, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर लिखा गया है 1/3.0 अपडेट और एंड्रॉयड 11। एंड सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर लिखा गया है इसका साइज़, इसका जो साइज़ है वो 2.3 GB यहाँ पर है। एंड यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल यहाँ पर 1 December 2020 लिखा गया है। लेकिन आपको मैं एक बार बैक करके दिखा देता हूँ गाइस। मेरे जो ये फ़ोन है गैलेक्सी नोट 10 प्लस, इसमें मैं लास्ट अपडेट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ सो यहाँ पर नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते सिक्योरिटी पैच लेवल 1 December 2020, यानी इससे पहले दिसंबर का जो सिक्योरिटी पैच का जो अपडेट था वो पहले यहाँ पर दिया गया था। लेकिन अभी जो 1/3.0 का जो ऑफिशियल अपडेट आया है वहाँ पर भी आपको यहाँ पर सेम दिखा रहा है कि दिसंबर का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच 1 December 2020। सो आई थिंक कि यहाँ पर दिसंबर को मान के चलते हुए यहाँ पर 1/3.0 का अपडेट दिया गया है। और आई थिंक कि यहाँ पर जो जनवरी का जो सिक्योरिटी पैच का अपडेट है वो शायद जनवरी के लास्ट तक आ सकता है। सो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको नए फीचर्स यहाँ पर मिलता है। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है 1/3.0 अपग्रेड अलॉन्ग विथ एंड्रॉयड 11। एंड यहाँ पर गाइस बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस है। मैं खासकर क्या क्या आपको चेंजेस मिलता है मैं डेडिकेटेड एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो गाइस, बात करें यहाँ पर चेंजेस में, सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो विजुअल डिज़ाइन है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक में, उसके बाद यहाँ पर जो जेस्चर है उसके मोशन पे, उसके बाद इसका जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा इंक्रीज होगा। यहाँ पर बेटर कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, बहुत से यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि डायनामिक लॉक स्क्रीन। पहले क्या था कि सिर्फ आप 4 यहाँ पर लॉक स्क्रीन जो है वो आप सेट कर पाते थे, लेकिन अभी यहाँ पर 5 कैटेगरीज दिया गया है। उसके बाद लॉक स्क्रीन में आप यहाँ विजेट लगा सकते हो। उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो ऑप्शन है उसको भी यहाँ पर थोड़ा सा कस्टमाइज आप कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में बहुत सारे पर चेंजेस किया गया है। मेरे जो सबसे फेवरेट है कि होम स्क्रीन में जैसे जाए यहाँ पर डबल टैप करने से जो ऑफ होता है दूसरे फ़ोन में, वो सैमसंग के जो नोट या फिर जो फ्लैक्सिबल जो स्मार्टफोन है उनमें पहले नहीं था। लेकिन अभी 1/3 जो अपडेट आएगा उसके साथ ये फीचर भी इनेबल हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते टर्न ऑफ द स्क्रीन बाय डबल टैपिंग ऑन एम्प्टी स्पेस ऑन द होम और लॉक स्क्रीन, यानी होम स्क्रीन पे आप डबल टैप करके जो फ़ोन है उसको लॉक कर सकते हो, लॉक स्क्रीन में डबल टैप करके आपका जो फ़ोन है उसको आप ऑन कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन में जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे यहाँ पर विजेट जो है वो आप सेट कर सकते हो, जैसे कि कैलेंडर विजेट, उसको वेदर, उसको म्यूज़िक। सो तरह तरह का कस्टमाइजेशन का लेवल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद कॉल्स एंड चैट में भी आपको कुछ यहाँ पर फंक्शन मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा फंक्शन मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर पिक्चर्स एंड वीडियोज़ में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन मिल जाते हैं। सेटिंग में जो है वो थोड़ा सा आपको नया लुक मिलेगा, आपको न्यू सिंपलर लुक मिलेगा। एंड सैमसंग कीबोर्ड में भी आपको कुछ चेंजेस आए हैं। हालांकि यहाँ पर सैमसंग का जो कीबोर्ड है उसके रिलेटेड क्या क्या चेंजेस आए उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो आप जाके यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्टिविटी में आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। सैमसंग डेस्क को भी लेकर यहाँ पर कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। मीडिया यहाँ पर और डिवाइस कंट्रोल में भी आपको कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। सो बहुत तरह तरह के आपको चेंजेस मिलता है। एडिशनल इंप्रूवमेंट में आपको कुछ यहाँ पर दिया गया है। सो गाइस, इसके रिलेटेड मैं डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, फिलहाल के लिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। सो गाइस, मुझे आप कमेंट करके बताइए कि क्या अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 या फिर नोट 10 प्लस डिवाइस है सो उनमें क्या आपको 1/3.0 यानी एंड्रॉयड 11 का अपडेट आया है। अगर नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछ रहा था कि भाई मेरे दिसंबर में कोई भी सिक्योरिटी पैच का अपडेट नहीं आया है, तो उनको मैंने बताया कि आप चिंता मत कीजिए, जनवरी के जो सिक्योरिटी पैच है वो आएगा अलॉन्ग विथ 1/3.0 का अपडेट। सो यहाँ पर दिया गया है वही हुआ यहाँ पर कि 1/3.0 का अपडेट के साथ साथ आपको जनवरी का तो नहीं लेकिन दिसंबर का यहाँ पर सिक्योरिटी पैच का अपडेट दिया गया है। सो आई थिंक कि जो सिक्योरिटी पैच का जो अपडेट होगा जनवरी महीने का वो शायद जनवरी महीने के लास्ट तक आ सकता है। सो चलिए गाइस, अगर आपको नहीं मिला है तो मुझे आप कमेंट कर बता सकते हो। सो इसको अभी यहाँ पर डाउनलोड होने देते। सो गाइस, ये अपडेट हो चुका है और मैं आपको सबसे पहले सेटिंग दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा न्यू लुक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। सो मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ सेटिंग्स पे। एंड यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ अबाउट फ़ोन, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। एंड गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 11। सो मैं कुछ यहाँ पर टैप करता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड्रॉयड 11 का अपडेट। सो गाइस, अगर आपको अभी तक ये एंड्रॉयड 11 का या फिर 1/3.0 आपके सैमसंग
नोट 10 या फिर नोट 10 प्लस में अगर नहीं मिला है तो गाइस मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड गाइस अगर यहाँ पर अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपको कोई डिफिकल्टीज फेस करना पड़े तो गाइस मुझे आप कमेंट करके वो भी बता सकते हो। तो चलिए गाइस फिलहाल के लिए इतना ही था, मैं इसके रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा कि क्या क्या आपको नया फीचर्स आपको मिलता है 1Y 3.0 ऑफिशियल अपडेट के साथ यानी एंड्रॉइड 11 के साथ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड गाइस अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी टैप करके ऑल कर लीजिएगा। सो चलिए गाइस मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर गाइस।